जन्माष्टमी पूजा में न करें ऐसी भूल, जाने क्या करें क्या न करें। इस साल जन्माष्टमी 6-7 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। कान्हा की पूजा के कुछ खास नियम है, इनका पालन करने वालों को ही व्रत पूजन का पूर्ण फल मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट नॉलेज 97 पर। जानकारी पूरी जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। जन्माष्टमी का पर्व सभी दुखों का अंत और कामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। कहते हैं इस दिन श्री कृष्ण का सच्चे मन से सुमिरन करने से वह स्वयं अपने भक्तों की परेशानी दूर करने चले आते हैं। इस साल जन्माष्टमी बहुत खास है क्योंकि इस बार कान्हा का जन्मोत्सव 2 दिन तक मनाया जाएगा। कान्हा की पूजा के कुछ खास नियम है, इनका पालन करने वालों को ही व्रत पूजन का पूर्ण फल मिलता है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर क्या करें क्या न करें। जन्माष्टमी पर क्या करें व्रत का संकल्प। जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन कुछ लोग पूरे दिन फलाहार या एक समय भोजन करते हैं, इसलिए व्रत का संकल्प अपनी क्षमता अनुसार ही ले और उसे पूरा करें। ऐसे सजाएं झांकी श्री कृष्ण को शंख के माध्यम से ही जल या दूध से स्नान कराएं। इस दिन पूजा से पहले सुगंधित फूलों से भगवान कान्हा की झांकी सजाएं। कान्हा को झूले में विराजमान करें। पालने के पास बांसुरी मोरपंख अवश्य रखें। कान्हा का श्रृंगार श्री कृष्ण के अभिषेक के बाद उन्हें स्वच्छ कपड़े आभूषण मुकुट पहनाएं, श्रृंगार करें, काजल जरूर लगाएं, क्योंकि यशोदा मैया कान्हा को तैयार करने के बाद उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए काजल लगाती थी। खीरा जरूर काटें, रात में 12 बजे खीरा काटकर कान्हा का जन्म कराएं। जन्माष्टमी के दिन खीरे को उसके तने से काटकर अलग किया जाता है। इसे श्री कृष्ण का माता देवकी से अलग होने का प्रतीक माना गया है। भोग पूजा में बाल गोपाल को माखन मिश्री धनिये की पंजीरी मखाने की खीर मिठाई का भोग लगाएं। इसके बिना कान्हा की पूजा अधूरी है। भोग में तुलसी दल जरूर डालें, इसके बिना कान्हा भोग स्वीकार नहीं करते। व्रत पारण। जन्माष्टमी व्रत में पूजा के बाद ही व्रत खोलने चाहिए। कुछ लोग रात्रि में ही व्रत पारण कर लेते हैं तो कुछ अगले दिन सूर्योदय के बाद या फिर अष्टमी तिथि के समापन के पश्चात व्रत खोलते हैं। ध्यान रहे आपने जैसा व्रत का संकल्प लिया है उसी के अनुसार व्रत का पारण करें। जन्माष्टमी पर क्या न करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भूलकर भी काले वस्त्र पहनकर पूजा न करें, ये अशुभ है। इसकी बजाय पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। कान्हा को भूलकर भी बासी या मुरझाए फूल न चढ़ाएं। श्री कृष्ण को अगस्त्य के फूल अर्पित न करें। बाल गोपाल का गाय से गहरा संबंध है, ऐसे में जन्माष्टमी भूल से भी गोवंश को सताए नहीं, अन्यथा पूजा और व्रत व्यर्थ चली जाएगी। इस दिन तुलसी दल न तोड़े। पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ते तोड़ लेना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत को रखने वाले को भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज मांसाहार शराब जैसी चीजों का त्याग करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। तन मन से शुद्धता बनाए रखें। बुरे विचार मन में न लाएं। किसी का अपमान न करें। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। लेटेस्ट नॉलेज 97 जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें लेटेस्ट नॉलेज 97 से।